इज़ वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ की वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में यह है कि अब 31 अगस्त तक 17,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। DSSB की जितनी भी टीचिंग वैकेंसी है, चाहे वो PRT हो, TGT हो या स्पेशल एजुकेशन हो, सभी की जो नियुक्ति है वो 31 अगस्त तक आ जाएगी। हाई कोर्ट ने DSSB पर फटकार लगाई है। और दोस्तों जो 3 मई को सुनवाई थी, जिसमें एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने पक्ष लिया था DSSB के एप्लीकेंट्स का, तो उनकी जो बातचीत हुई वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। और ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी अपडेट हैं DSSB के रिगार्डिंग वो सबसे पहले इस चैनल पर पाए। दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली के सरकारी और निगम स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि DSSB ने हाई कोर्ट को बताया कि 31 अगस्त 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। DSSB ने बताया है हाई कोर्ट को कि जितने भी MCD के स्कूल हैं या DOE के स्कूल हैं, वहां पर जितनी भी वैकेंसी खाली है वो सारी फिल हो जाएगी 31 अगस्त तक। और दोस्तों न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने शिक्षा निदेशालय, निगम, नगर निगम और DSSB को कुल 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर 27 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। और दोस्तों इन्होंने 27 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। इसमें इस प्रक्रिया में भर्ती होने वालों में 2,190 विशेष शिक्षक भी शामिल हैं। दोस्तों ये काफ़ी खुशखबरी है जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स कर चुके हैं और इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं और उनकी भी जो नियुक्ति है वो 31 अगस्त तक हो जाएगी। तो काफ़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए ये। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पर स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कराई जा रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली जा चुकी है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितनी भी स्पेशल एजुकेशन के मटेरियल है उनसे आप अपडेट रहें, आपकी नॉलेज बढ़े और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। और जैसे यहाँ हम आगे देखते हैं, ज्ञात हो कि वकील व सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट जो है अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा था कि वर्ष 2001 में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के बावजूद भर्ती प्रक्रिया को लेकर दिल्ली सरकार व शिक्षा निदेशालय गंभीर नहीं है। दोस्तों इन्होंने ये कहा कि कोर्ट में कि देखो काफ़ी टाइम हो गया, 2001 में हाईकोर्ट का आदेश था कि वैकेंसी फुल होनी चाहिए, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी स्कूल में पूरे टीचर नहीं हैं, तो इससे 25 लाख से ज़्यादा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं दिल्ली के, वहाँ पर ऐसा आंकड़ा है कि 25 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनकी जो है एजुकेशन वो इफ़ेक्ट होती है अगर वहाँ पर टीचर नहीं होते हैं। तो मामले में पूर्व हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है और ये पहले भी कई बार फटकार लगा चुकी है, मगर दोस्तों DSSB बोर्ड है, काफ़ी टाइम लेता है वैकेंसी निकालने में, काफ़ी टाइम लेता है एग्ज़ाम लेने में, काफ़ी टाइम लेता है नियुक्ति पत्र देने में, तो यही है। अब देखते हैं अगर ये बात सच होती है तो 31 अगस्त तक अगर शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तो यही है कि जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी हो चुकी है। और दोस्तों अपनी तैयारी बरकरार रखें और जैसे ही आपकी तैयारी पूरी होती है आप प्रैक्टिस सेट की तरफ अपना ध्यान दें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और हमारी इस संडे को एक वीडियो आ रही है जिसमें एक अकेली वीडियो में आप पूरे DSSB को एग्ज़ाम करने के क्रैक टिप्स जानेंगे और कैसे क्रैक करते हैं उसके जो 5 टिप्स हैं वो जानेंगे उसमें। तो दोस्तों उस वीडियो का वेट कीजिए, संडे मॉर्निंग मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।